अयोध्या राम की नगरी स्थित निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय के प्रचार आचार्य नागेंद्र कुमार मिश्रा की निधनोपरांत आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पंडित दीनानाथ शास्त्री ने प्रचार्य के संपूर्ण जीवन की उपलब्धियों की जानकारी का वर्णन किया। उन्होंने 1976 में गुरुकुल के ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश लिया। आचार्य करने के बाद ही गुरुकुल की सेवा में लग गए। भारत के विभिन्न नगरों से चंदा मांग कर विद्यालय के विकास में योगदान किया। सन 1995 ईस्वी में संस्था के प्रचार्य के पद पर नियुक्त हुए। तब से आचार्य नागेंद्र कुमार मिश्रा ने विद्यालय में लगभग 20 कमरों का निर्माण कराया, भोजनालय, यज्ञशाला, गौशाला का जीर्णोद्धार कराया। अल्प समय में ही गुरुकुल का विकास किया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुकुल का स्थान ऊंचा किया। उनके निधन से गुरुकुल की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। संस्था के अध्यक्ष महंत अवधेश दास, प्रबंधक राम कुमार दास, मंत्री वाई वी मिश्रा, शहर के प्रतिष्ठित एवं समस्त अध्यापक तथा ब्रह्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही आचार्य जी के आत्म शांति की प्रार्थना की। और हम उनके चले जाने से संस्था की बड़ी क्षति हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य संपूर्ण जीवन के सेवा में रहते थे, सेवा में ही रहते थे। उसके बाद प्राचार्य होने के बाद सेवा में ही उनका सारा जीवन के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उनके काफी है, उनके चले जाने से पूरा कम्युनिटी, पूरे ब्रह्मचारी जो भी यहाँ पहुंचे थे सारे आज हम बहुत ही कर्मठ और ईमानदार जी संपूर्ण जीवन वो किसी भी काम के पीछे नहीं हटते थे। सारे कामों को जितने भी कोई भी विद्यालय का काम हुआ, वो सभी के लिए वो तत्पर रहते थे, आगे रहते थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या।